भरतपुर जिले के बहुचर्चित कुमेर कांड का 31 साल बाद कल न्यायालय ने फैसला सुनाया। इसमें विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण की न्यायाधीश गिरजा भारद्वाज ने 50 आरोपियों में से 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 41 लोगों को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया गया है। खास बात यह कि सीबीआई ने जांच करके मामले में 87 लोगों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी, जिसमें से अभी तक 37 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। झाड़ुओं को मारने का लगाया गया था। उस मुकदमे में करीबन 16 आदमी जान से मारे गए थे और 40-45 आदमियों के घायल टोटल हुए थे। ज्यादातर घायल हुए लोग जो थे और मरे हुए लोग जाटक जाति के थे। पहले पुलिस को इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, उसके बाद ये प्रकरण सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया।